सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रशांत चौहान आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। यह महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आज 1 मई से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चलाया जाना है, उसके तहत आज 28 अप्रैल को 4 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। और वो रजिस्ट्रेशन हम क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, आपको जानकारी होगी कि ये कोविड का जो कष्टदायी समय चल रहा है, इससे बचने का और कोई उपचार नहीं है, मात्र एक वैक्सीनेशन है जो हमें इस कोविड की बीमारी से बचा सकता है, पैंडमिक से हमें बाहर आ सकते हैं। वो वैक्सीनेशन ही है, क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है उनको इन्फेक्शन तो पॉजिटिव, उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है RT-PCR, लेकिन उनको कोई सीवियर सिम्टम, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं ज़्यादा, और वो हल्का फुल्का खांसी जुकाम के बाद ठीक हो रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि 28 तारीख से 4 बजे के बाद आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाके, और कैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज, और रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता दिया कि हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी वाला देश है कि 18 साल से 45 साल के बीच के जो लोग हैं, 60 साल के बीच वाले लोग हैं, वो अपने आप में 50 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। तो हमारा जो यंग इंडिया जो कहलाता है, इसलिए ही है क्योंकि हमारे यहाँ 18 साल से ज़्यादा वाले लोग बहुत अधिक संख्या में हैं। इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना है इस वैक्सीनेशन के लिए फ़ोन के माध्यम से, क्योंकि आपको पता ही है लॉकडाउन का समय चल रहा है, हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, लेकिन हम फ़ोन द्वारा अपने रिश्ते रिलेटिव्स, अपने जिन शुभचिंतक हैं या जो भी हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, पड़ोस के हैं, उनको जागरूक करें कि प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवा लो। इस वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको मोबाइल के दूसरे मोबाइल के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि हमें ये वैक्सीन गवर्नमेंट द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। और मोदी जी ने कहा है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन सभी जगह पर ये वैक्सीन, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी सरकारी अस्पतालों में, और प्राइवेट अस्पतालों में ये कुछ पैसे देकर भी खरीदी जा सकती है और लगवाई जाएगी वहाँ पे। तो आज मेरा जो वीडियो बनाने का औचित्य था, उद्देश्य है, वो सिर्फ यही है कि आप वैक्सीन करवाने के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, और ये जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको बताइए कि एक वैक्सीन लग जाएगी, उसके बाद हम 6 सप्ताह का समय दिया है, पहले हमारा 4 सप्ताह का था, 6 सप्ताह बाद हम उसकी बूस्टर डोज यानी कि दूसरी डोज लगवाएंगे, और हम पूर्ण रूप से पूरी तरह से हम सेफ हो जाएंगे इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट। हमारे अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगी। आपको पता ही है कि हमारे अंदर जो एंटीबॉडी, वैक्सीन का प्रिंसिपल क्या होता है, वैक्सीन क्या करती है, हमारे अंदर एक एंटीजन पार्ट यानी कोविड का जो छोटा पार्ट डाला जाता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी डेवलपमेंट होता है, और वो हमारे एंटीबॉडी मेमोरी सेल्स में इकट्ठे हो जाते हैं, और मेमोरी सेल्स में जब नेक्स्ट टाइम कोई एंटीजन या कोई वायरस अटैक करता है तो हमारे जो एंटीबॉडी हैं ऑलरेडी बन गए हैं, तो उसको वो किल कर देते हैं। तो ये हमारा जो है इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है, डेवलप करता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए सर, ये मोबाइल में आप गूगल में जाएंगे, सबसे पहले गूगल क्रोम में हम जाएंगे, और गूगल क्रोम में हम cowin.gov.in हम डालेंगे इसमें, आप देख सकते हैं सर, ये गूगल आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमें डालना है gowin cowin.gov.in, देख रहे हैं आप, तो इसमें हमने क्लिक कर दिया तो हमारा सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके जो है खुल रहा है। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन में हमें जो है खुद रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन पोर्टल में चले जाएंगे, और यहाँ पे हमें जो है अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन साइन इन, हमारा जो कोविन था उसमें हम जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जैसे मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे 8476, ये हमने डाल दिया। तो अब इसमें एक OTP सर आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है ये, आप देख सकते हैं,
और इसमें कोविन हमने डाला था और kowin.gov.in में हमने मोबाइल नंबर डाला और हमने गेट ओटीपी डाल दिया। तो इसको रजिस्ट्रेशन के लिए आप आरोग्य सेतु ऐप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हमारा वेरिफिकेशन हो गया है। अब हमें एक ओटीपी नंबर हमारा जनरेट हुआ है जो हमारा है 90 30 12। तो हम यहाँ पे सीधा डाल देंगे 90 30 और 12। ये डालने के बाद हम वेरीफाई में चले जाएंगे। तो ये हमारा प्रूफ आईडी हमारा मांग रहा है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये अपना जो है पेंशन की पासबुक और वोटर आईडी, कोई भी एक। हम जैसे आधार कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड ले लिया, आधार कार्ड का नंबर हम डालेंगे, फिर उसके बाद अपना नाम डालना है, जेंडर मेल फीमेल डालना है मान लीजिए, उसके बाद जो है हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, क्योंकि हमें 45 साल से नीचे वालों के लिए है, ये 18 साल से ज़्यादा वालों के लिए वैक्सीनेशन प्लान है, तो हम यहाँ पे अपनी उम्र मान लो 35 साल 30 साल डाल देंगे। ये मैं एज ए एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ। फिर हम रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो रजिस्टर पे क्लिक होने के बाद आपको एक रेफरेंस आईडी नंबर मिल जाएगा, जिस रेफरेंस आईडी से आप कहीं भी निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे और वहाँ पे अपना वैक्सीन को लगवा लेंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ मैं आज का ये अपना जो वीडियो था मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।